हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, डी ट्रिपल्स बी टीजीटी नेचुरल साइंस में बायोलॉजी में हमारी टोटल 21 यूनिट्स हैं, जिनमें से एक यूनिट है हमारी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसका थियरी क्लास मैं आपको वन शॉट में करा चुकी हूँ। आज हम डी ट्रिपल्स बी में जितने भी क्वेश्चन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना है और आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। वेरिएशन इज मिनिमम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन सबसे कम आती है। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, आपके जो जेनेटिक कंपोजिशन है अगर वो बदलती है तो उसकी वजह से वेरिएशन आती है। आपकी जितनी भी वेरिएशन आती है, एक स्पीसीज में जितनी भी वेरिएशन आते हैं उन सब के इक्वल चांस होते हैं सर्वाइवल के, और जो आपका वेरिएंट होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस का फैक्टर बनता है। ए एंड सी इज करेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट, ए एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो देखो, इस चैप्टर से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है वो मिनिमम नहीं होती है, इवन मैक्सिमम होती है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसीलिए बेटर मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है। आपके जेनेटिक कंपोजिशन बदलने से वेरिएशन आती है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये बात जो है कि आपके जो वेरिएशंस आती है स्पीसीज में उन सबके सर्वाइवल के इक्वल चांस होते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, और कुछ वेरिएशन तो ऐसी होती है जो उनके डेथ का रीज़न बन जाती है। तो आपका जो बी एंड डी स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, और आपका जो ए और सी स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वुमेन के पास जो है वो परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिनको दोनों को हम क्या बुलाते हैं, एक्स बुलाते हैं, ठीक है। मैन के पास एक मिसमैच पेयर होता है, जिसमें तो एक नॉर्मल एक्स साइज का क्रोमोसोम होता है और दूसरा जो होता है वो एक्स से बड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसको हम वाई बुलाते हैं। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ वन एंड टू इज ट्रू, नाइदर वन नॉट टू। तो जब मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि वुमेन के पास जो है ना परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम एक्स बुलाते हैं। वुमेन के पास हमेशा दो क्रोमोसोम होंगे और वो दोनों ही क्या होते हैं, एक्स होते हैं, जो एकदम परफेक्ट होते हैं। मैन के पास क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से एक एक्स होता है एक वाई होता है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एक छोटा सा एक वर्ड चेंज किया और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखो, उन्होंने बोला कि मैन के पास एक मिसमैच पेयर है, जो बिल्कुल सही बात है, उनमें से एक नॉर्मल साइज का एक्स होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि वाई लॉन्ग वन होता है, आपको पता है वाई का जो साइज होता है ना वो लॉन्ग वन नहीं होता है, इवन वो शॉर्टर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखा होता शॉर्ट वन कॉल्ड वाई तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन देखो एक वर्ड बदलते ही आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि सेक्स क्रोमोसोम के अंदर वुमेन के पास हमेशा दो क्रोमोसोम होंगे, दोनों के दोनों एक्स होते हैं, उनका साइज एकदम सिमिलर होता है। मैन के पास दो क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है, और वाई जो होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि अगर आपने है ना बार बार चूहों की टेल्स जो है उनको सर्जरी से आप बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में उनको काटते रहे काटते रहे काटते रहे, तो जो आपके टेललेस माइस है उनके जो बच्चे होंगे क्या वो टेललेस होंगे, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसके चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेल जो है उसकी वजह से आपके जर्म सेल्स जो है माइस के वो नहीं बदल रहे, क्या ये बात सही है। ऐसा हो जाएगा क्योंकि टेल काटने से उनके जो जर्म सेल्स है वो चेंज हो रहे हैं, क्या ये सही बात है। लेंथ जो होगी, अब जो टेललेस माइस है उसके जो बच्चे होंगे उनकी जो टेल आएगी वो छोटी हो जाएगी, हर एक जनरेशन में छोटी होती चली जाएगी और धीरे धीरे गायब भी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि यस, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज आ रहा है।
तो देखो आपकी जो टेल होती है, आपके दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर आपके जर्म सेल्स के अंदर, जिनको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं, अगर उनके अंदर कोई चेंज किया जाए तो आपके आने वाले बच्चों को भी कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बार बार चूहे की पूंछ काट दे रही हूँ, कितनी भी जनरेशन मैं चूहे की पूंछ काट रही हूँ सर्जरी के थ्रू, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो गायब नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि जो पूंछ है वहां पर उनकी जर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैंने उनकी जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन किया होता तो कोई ना कोई चेंज जरूर आता। लेकिन अगर आप ऐसे फैक्टर्स को कट करें, आपने कभी ऐसा देखा है, एक इंसान है उसका एक्सीडेंट में ना हाथ कट गया, तो क्या ऐसा होता है कि उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका हाथ कटा हुआ पैदा होगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके हाथ में है ना उसके जर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं थे। अगर उसके जर्म सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, म्यूटेशन आई है, तो उसके बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो जो टेललेस माइस है उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर एकदम नॉर्मल टेल प्रेजेंट रहेगी, ठीक है? उसके बाद आपसे बोला गया है, विंग्स ऑफ बैट आर स्किन फोल्ड स्ट्रेच मेनली बिटवीन इलंगुएटेड फिंगर्स, बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर अ फेदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म। द डिजाइन ऑफ द टू विंग्स, देयर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोनेंट आर थस वेरी डिफरेंट। दे लुक वेरी सिमिलर बिकॉज दे हैव अ कॉमन यूज ऑफ फ्लाइंग, बट देयर ओरिजिन इज नॉट कॉमन। विच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज दिस? तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, हमने दो टाइप के ऑर्गन्स की बात की थी, एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो इन्होंने कहा कि जो आपके चमगादड़ के पंख है और जो आपके बर्ड्स के पंख है, वो देखने में तो है ना बहुत डिफरेंट दिखते हैं, उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट नहीं दिखता है, लेकिन वो दोनों के दोनों जो फंक्शन करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो कौन से टाइप के ऑर्गन की बात हो रही है, होमोलोगस ऑर्गन की बात हो रही है या फिर एनालोगस ऑर्गन की बात हो रही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉर टू? तो आपको पता है जहां पर है ना फंक्शन तो कॉमन होता है लेकिन जो ओरिजिन होता है वो कॉमन नहीं होता, तो यहाँ बात हो रही होती है एनालोगस ऑर्गन की। लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है तो बात हो रही होती है होमोलोगस ऑर्गन की। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि दिखने में सिमिलर नहीं है, अगर आप उनका एनाटॉमी देख रहे हो वो सिमिलर नहीं है, ठीक है? दिख एक जैसे नहीं रहे पंख, लेकिन जो फंक्शन है वो कॉमन है। तो हम कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं? एनालोगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। इवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट बाय द स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग स्पीसीज बट ऑल्सो फॉसिल। इवोल्यूशन की स्टडी आप सिर्फ लिविंग स्पीसीज नहीं, फॉसिल की स्टडी करके भी कर सकते हो। इवोल्यूशन रिलेशनशिप आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो हमारी मदद करती है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में। ऑर्गन और फीचर्स में अडेप्टेड टू न्यू फंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। बहुत सारे फीचर्स और ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में अडेप्ट होते चले जाते हैं। स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिकेट दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज दैट इवॉल्व इन अफ्रीका एंड अमेरिका एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन स्टेजेस। तो उनका बोलना है कि हम सबके सब जो है, हमारा जो पूरा का पूरा इवोल्यूशन है, हम कहाँ पर पैदा हुए? अफ्रीका और अमेरिका में पैदा हुए और फिर पूरी दुनिया में हम चले गए। तो आपको पता है इवोल्यूशन की जब हम स्टडी करते हैं ना, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म तो हमें जिंदा नहीं मिले थे, तो हम फॉसिल की स्टडी डेफिनेटली करते हैं जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। आप में से किसी भी साइंटिस्ट ने डायनासोर को नहीं देखा था ना, लेकिन उनकी स्टडी हमने कैसे की है? फॉसिल्स के थ्रू की है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो तो आप उनकी बहुत सारी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे ही क्लासिफाई करते हो, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत हेल्प करती है जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे अडेप्ट होते हैं कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन जो ये बात है कि हम है ना अफ्रीका और अमेरिका में डिसेंड हुए थे और उसके बाद हम पूरे वर्ल्ड में
स्टेजेस में चले गए, ये गलत है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो हम कहाँ पर हुए थे, अफ्रीका में हुए थे, और अफ्रीका के बाद हम अमेरिका, यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, इन सारी जगहों पे डिसेंड कर गए। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। अब बाकी के सारे स्टेटमेंट हमारे इवोल्यूशन के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, एंड डैश गिव्स अस द मैकेनिज्म फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मेंडल का एक्सपेरिमेंट, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट, रजल वॉलेस एक्सपेरिमेंट एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन एंड रजल वॉलेस एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है हमारी जो लाइफ का इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन की थ्योरी हमें किसने दी है? डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने हमें बताया कि हम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो यहाँ पर तो क्या आएगा, डार्विन की थ्योरी आएगी। तो पहला हमारा पिक हो गया। तो डार्विन की थ्योरी भी अब दो ऑप्शंस में लिखी हुई है, टू में और फोर्थ में। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट का मैकेनिज्म था जिसने हमें बताया कि जो ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे होते हैं। तो ये ऐसा किसने किया था? मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये चीज प्रूव की थी। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। क्योंकि डार्विन ने हमें बताया कि इवॉल्व कैसे हुए हम, और मेंडल की थियरी ने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन हमारे ट्रेट्स किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जीके के पेपर में पूछा जाता है, आपका कोई भी साइंस का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, आपका टीजीटी साइंस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहां पूछा जाता है। ठीक है, जीके में भी पूछा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल, आइसेक न्यूटन, एरिस्टोटल या फिर रॉबर्ट हुक। तो आपको पता है रॉबर्ट हुक ने तो की थी डेड सेल की डिस्कवरी। एरिस्टोटल कौन कहलाते हैं? हमारे बायोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं, प्लस हमारे जुआलॉजी के फादर भी कहलाते हैं, और जो हमारे ग्रेगर मेंडल है वो जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में इतनी सारी रिसर्च की है। ठीक है, तो हमारी जो पूरी एक ब्रांच होती है जेनेटिक्स, उसके फादर कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने पेयर्स सेलेक्ट किए थे पी प्लांट पे? आपको पता है मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो सब किस पे किए थे? पी प्लांट पे किए थे, मटर के पौधे पर किए थे। और उन्होंने कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए? 5 को, 6 को, 7 को या फिर 8 को? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और डी ट्रिपल एस बी ने अपने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो आपको पता है उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद उन्होंने हमारे इनहेरिटेंस के लॉज दिए। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल है। उन्होंने किस प्लांट को चूज किया था? पाइजम सेटिवम, पी प्लांट को चूज किया था। कितने कैरेक्टर्स चूज किए थे? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वर फाउंड 15 MYA एंड वाई मोर लाइक मैन लाइक? मैन लाइक जो बहुत ज्यादा दिखते थे, ड्रायोपिथिकस की बात हो रही है या फिर रामापिथिकस की बात हो रही है? चूज द करेक्ट कोड, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू या फिर नाइदर वन नॉर टू। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे रामापिथिकस की। ठीक है, वो हमारे जैसे ज्यादा दिखते थे। ठीक है, हमारे सबसे क्लोजेस्ट प्राइमेट्स जो हमसे बहुत ज्यादा मैच करते थे वो कौन थे? रामापिथिकस थे, एज कंपेयर टू ड्रायोपिथिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनए? तो कौन सी ऐसी ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि जो जितने ज्यादा दूर के रिश्तेदार होंगे, एक तरीके से बहुत दूर के अगर कोई आपके रिश्तेदार है, उनके और आपके डीएनए में उतना ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, आइसोटॉपिक फाइलोजेनी, एटॉमिक फाइलोजेनी या फिर जीनोम
जीनोम सीक्वेंसिंग फाइलोजेनी। तो ये सारी बातें हमें कौन बता रहा होता है? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो हमारी ब्रांच है वो ये बताती है कि जो हमसे जितना दूर का हमारा रिश्तेदार होगा उनके और हमारे डीएनए में उतने ही ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आपको पता है जो हमारी थियरी ऑफ इवोल्यूशन है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, तो इनमें से कौन सा उनका की कॉन्सेप्ट था? ब्रांचिंग डिसेंट या फिर नेचुरल सिलेक्शन? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो अगर आप डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ोगे तो उन्होंने ना ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए थे, ब्रांचिंग डिसेंट भी और नेचुरल सिलेक्शन भी। ठीक है, तो बोथ वन एंड टू आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर एंड यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किससे रिलेटेड था? जेनेटिक से रिलेटेड था, इवोल्यूशन से रिलेटेड था, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड था या फिर एनाटॉमी से रिलेटेड था? तो आपको पता है मिलर एंड यूरे ने क्या किया था, उन्होंने है ना हमारी धरती पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई इसका हाइपोथेसिस जो था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ने। तो वो किसको बताते हैं? ऑब्वियसली सी बात है वो किसको शो करते हैं? इवोल्यूशन को शो करते हैं। मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जो हमारी एक ब्रांच है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशन, ठीक है, उसके फादर कौन है? जूलियन हैक्सले, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर स्टैनले मिलर। तो जो हमारे चार्ल्स डार्विन है जिन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है वही क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी वही कहलाते हैं। ठीक है, हमारे डीड प्लस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।